अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन जेनीज वर्ल्ड। और क्या हो गया, मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गई मम्मा वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनीज वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं अपने नाश्ते से। अभी मैंने दो टोस्ट क्या कहते हैं कर लिए, मतलब दो ब्रेड का टोस्ट बना लिया और चाय मेरी चढ़ी हुई है। चाय पीते हैं, टोस्ट खाते हैं, उसके बाद शावर लेंगे। शावर लेने के बाद फ्री होंगे, उसके बाद नहीं पता क्या करेंगे। लेट्स सी। ये रही हमारी चाय जो कि अभी तक दम ही नहीं आया है। तेज कर दिया हमने चूल्हा, अब आ जाएगा। ये रहा हमारा टोस्ट, बस जल्दी से इसको खाते हैं, फिर वो रही हमारी चाय, चाय पियेंगे, उसके बाद बस शावर लेने जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं शावर वगैरह लेकर फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आटा वाटा गूंद लिया जाए। मैंने बोला था आटा गूंद देना ताकि नाश्ता बन जाए, मम्मा को नाश्ता करना था। तो फिर जल्दी जल्दी फिर हमने आटा गूंदना स्टार्ट किया। और बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है भैया आटा गूंदने के लिए, हाथों में आटा चिपकता वजह इतनी उलझन होती है जिसकी कोई हद नहीं। खैर मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से आटा गूंद लेती हूँ, ये उंगलियाँ साफ़ करते हुए मुझे बहुत उलझन होती है ऐसे ना। खैर थोड़ा सा ही आटा था, कोई इतना ज़्यादा था नहीं, तो मुझे इतना जतन नहीं करने पड़े। बहुत ज़्यादा होता है ना तो फिर हाथ में दर्द होने लग जाता है मेरा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा आटा नहीं गूंदती, मैं थोड़ा थोड़ा गूंदती हूँ। बेशक मुझे दो दिन बाद दोबारा गूंदना पड़े लेकिन मैं थोड़ा गूंदती हूँ। बहुत ज़्यादा आटा होता है ना फिर मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर मैं अपने हाथ में से आटा निकाल ली थी ताकि वेस्ट ना हो, बिला वजह जब मैं धोऊँगी तो फजूल में सारा वेस्ट होगा जो हाथों पर लगा होगा। वे ये मुक्कियाँ मारी हमने इसको असेंबल करने के लिए। यहाँ से होता है जी हमारा क्या कहते हैं क्या स्किन केयर स्टार्ट। मैंने सोचा स्किन केयर कर ली जाए, काफ़ी टाइम हो गया चेहरे का कोई ख्याल ही नहीं रखा हमने। सबसे पहले विल गो विद द फेस वॉश, जो कि क्लीन ब्यूटी का फेस वॉश है मेरे पास, क्लास स्किन जेल। तो ये मैं गाने सुन रही थी उस पर वाइबिंग कर रही मैं साथ में, तो बस अभी चेहरा धोकर आते हैं। तो जी यहाँ पे अपना फेस हमने वेट कर लिया था, मतलब हल्का सा स्प्लैश मार के हमने फेस गीला किया। दो पम्प्स लिया हमने फेस वॉश के और इसको अच्छी तरीके से हम इमल्सिफाई करेंगे अपने हाथों में ताकि सही से फोमी टेक्सचर में आ जाए, क्योंकि जेल क्लेंजर है इतना फोम इसमें बनता नहीं है, लेकिन हम इसको अच्छे से हाथ पे इमल्सिफाई करेंगे ताकि हल्का सा फोम तो आए एटलीस्ट कि हमारा फेस सही से क्लेंज हो सके। उसके बाद हम इसको सर्कुलर मोशन के अंदर अपने फेस पे मसाज करेंगे। इसके साथ ये बहुत अच्छा क्लेंजर है वैसे इंसान अगर इसको, मेरे जैसे लोगों के लिए तो नहीं है भाई, हम अलकस हो रहे इतने, लेकिन इंसान इसको अगर सही से रेगुलर बेसिस पे कर यूज़ में रखे तो ये बहुत आपकी स्किन को हेल्प करेगा डार्क स्पॉट्स हटाने में, स्किन को ग्लोई रखने में। अभी आप पूरी स्किन केयर कैन में देखिएगा मेरा फेस बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा होगा। खैर तो ये तो खैर अब मेरा ख़त्म पे ही है, ऑलमोस्ट सारा स्किन केयर का सामान मैं दूसरे ब्रांड से मंगवाऊँगी क्योंकि मैं उनका भी चेकअप करना चाहती हूँ कि कैसा है उनका सामान कैसा नहीं है। खैर तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही थी मैं फेस की और साथ में गाने भी गा रही थी। गाने मैं लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है शायद कॉपीराइट ना आ जाए, इतनी एडिट वगैरह सारी मेहनत रायगा जाएगी। खैर ये आइस पे भी अच्छे तरीके से करना था क्योंकि आइस पे भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट लग जाती है, हम मस्कारा यूज़ करते हैं या कोई आई शेडो या कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो रह जाता है हमारी आँखों में, तो अच्छे से मसाज करना है इस पे भी। ये मैं आपके सामने फेस वॉश करके आ चुकी थी, यू कैन सी द ग्लो देख लें आप, मेरी खुशी चेक करें। ये अब हम टूथब्रश करेंगे और ये अल्लाह जाने में ऊपर देखते हुए पता नहीं क्या ब्रश कर रही थी। खैर क्या कहते हैं यहाँ पर हमने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया था जल्दी जल्दी, बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे ही लग रहा था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, मैं फजूल का लश्कारे मार रही हूँ। खैर तो ये मैंने लिप स्क्रब करना शुरू कर दिया था, ये जितनी लग रहा है ना तेज़ी में स्क्रब कर रही हूँ मैं, इतनी तेज़ी में कर नहीं रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से करना है वरना होंठों से खून आ जाएगा चाहे कितने भी आपके चैप्ड होंठ क्यों ना हो, आराम आराम से स्क्रब करना है ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर मैंने लिप स्क्रब कर लिया था, तो फिर मैंने अब ये वैसलीन लगाई है। यार ये बड़ी महंगी है टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने शौक शौक में ले ली थी, क्योंकि उस वक्त मुझे मैं मार्ट गई थी, वो भी मुझे कोई इतना ख़ास शौक नहीं था, मैं मार्ट गई थी, मुझे खुला चाहिए था, तो इस वजह से मैंने मजबूरन में ये ली थी, मतलब मजबूरी में ये ली थी। ये 350 रुपये की इतनी सी वैसलीन है, मतलब इसकी ट्यूब है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत वर्थ इट है। मतलब ये आप लगाओ ना तो ये आपका पूरी रात आपके होंठ क्या रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे। और आप वो डब्बे वाली जो एक वैसलीन होती है ना, वो लगाएं, आप सुबह उठेंगे आपके होंठों का सारा मॉइस्चराइज, मतलब जो मॉइस्चर होगा ना वो गायब हो चुका होगा। तो ये अगर ये 350 रुपये के ना, तो ये वर्थ इट है, वो नहीं है इतनी अच्छी ना, जो बात है मैंने ये चीज़ नोट की है। खैर, अम्मा के दुपट्टे से अच्छा क्या होता है, मैंने अम्मा का दुपट्टा पकड़ा, उसी से अपना फेस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, पूरा ड्राई किया मैंने, क्योंकि मुझे मास्क लगाना था, मैं ज़रा सा भी गीला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे अम्मा का दुपट्टा ही मिला उस वक्त, और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने अपना मास्क उठाया और ये मैंने दिखाया भी है इस पर। ये भी क्लीन ब्यूटी का डिटॉक्सिफाइंग चारकोल मास्क, और ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है ये जो ना फोकस नहीं हो रहा था, ओवर एक्टिंग हो रही थी, खैर क्या कर सकते। ये मैंने निकाल तो लिया था, तो ये मैं गानों पे वही वाइबिंग स्टार्ट करी, मैं देख रही थी कि सनलाइट कहाँ पे सही बैठ रही है, मैं ये चेक करी, ये मैंने घुमाया कैमरा, जब से ऐसी टेंशन में थी सनलाइट क्यों नहीं सही से आ रही मेरे ऊपर। ये मैं अब, मेरी इतना बड़ा पागलपन है ये मेरा, आप लोग चेक करें, मैं मास्क अब लगा रही हूँ और मॉइस्चराइज होंठ पहले कर लिए। अब जब मास्क छुड़ाऊँगी तो आप खुद सोचें यार, ये सारा हट नहीं जाएगा। फजूल की वजह ना चीज़ों को बर्बाद करना हो ना, तो मुझे अपनी चीज़ें ला के दे दो, मैं सही की बर्बाद कर दूँ। खैर, ये मैं थ्रूली अपने फेस पे अप्लाई करी थी, ये जो ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ये हार्श है मेरी स्किन पे ना, बट मैं काम चला लेती हूँ इससे। लेकिन मुझे जो ना कभी कोई मास्क सूट नहीं करता, मैं किसी भी ब्रांड का, मतलब किसी भी ब्रांड से मुराद मेरा किसी भी स्किन केयर ब्रांड का मास्क लगा लूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कभी भी मास्क सूट नहीं करते स्किन केयर ब्रांड्स के। ये मैंने इसलिए मंगवा लिया था क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों मंगवाया था, शायद मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था उस वक्त। मुझे बाद में रिग्रेट होता है जब मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ और फिर वो मेरे किसी काम नहीं आ रही होती। खैर, ये मैं इसको बड़ा, मैं परफेक्शनिस्ट बन के ना इसको अप्लाई कर रही थी और ये हो नहीं रहा था मुझसे, कहीं से कोई ना कोई नमूनेबाजियाँ हो रही थी, बिकॉज मैं कैमरा में ही देखकर अप्लाई कर रही थी, तो जाहिर है तब परफेक्टली तो अप्लाई होने से रहा वो। और मेरे फेस पे मैं लगा रही ज़्यादा, मतलब बहुत थिन लेयर लगाई थी मैंने, कोई इतना थिक लेयर में कभी नहीं लगाती किसी मास्क की जिसका मुझे सही से पता ना, हमेशा मैं थिन लेयर लगाती हूँ ताकि वो सही से जो उसका सीन है जल्दी सूख भी जाए, सही से उसके मिनरल्स वगैरह जो भी है इफेक्ट्स सही से एब्जॉर्ब भी हो जाए। थिक में तो भाई बहुत टाइम लगता है, और कुछ मास्क होते ही थिन है, मतलब उनको अप्लाई ही थिन करना होता है, कुछ मास्क को थिक अप्लाई करना होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मास्क नॉट ऑन योर मूड। लेकिन मैं जो ये वाले मास्क होते हैं ना, ये मैं थिन लेयर ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये कोई होम रेमेडी तो नहीं होती ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। मैं, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं कैसे मान लूँ कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो, इसलिए इंसान बिल्कुल हल्का हाथ रख के ही ऐसी चीज़ें यूज़ करा करे जो कि होम रेमेडी ना हो। खैर, ये बस लगाते साथ ही मुझे इस बात की जल्दी थी कि सूखेगा कब, वैसे इस पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट्स वेट करें, लेकिन मैंने सिर्फ 5 मिनट्स वेट किया, जैसे ही सूखा मैंने उसके बाद इसको वॉश कर लिया था फेस अपना। मुझसे तो वेट ही नहीं होता भाई, मैं तो जल्दी जल्दी इस वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने धो लिया था उसके बाद। और यहाँ पे फिर मैं सूखने का, मास्क सूखने का वेट कर रही थी, खैर ये नमूनेबाजियाँ कर रही थी मैं, और कुछ नहीं, बाल खोल बंद करी जा रही थी, और मेरे ख्याल से जब ये ऑलमोस्ट सूखने पे था, मैंने 5 मिनट में बस इसको सुखा लिया था। अब ये मास्क को छुटाने के बाद आप खुद देख लें ग्लो, खैर ये मैंने कट मार लिया था, इसको तो छोड़ ही दें अपना, ठीक है, ये आप ग्लो देख लें, कुछ भी नहीं फेस पे लगा हुआ, आप लोगों के सामने मैंने मुंह धोया है, मास्क लगाया है, आप लोगों के सामने ही जेल क्लेंजर लगाया है, अभी तक कोई मॉइस्चराइज़र तक नहीं लगाया, उस पर भी ये ग्लो है।
तो खैर फेस वगैरह मैंने हल्का सा डैम्प हो रहा था मेरा फेस, डैम्प का मतलब कहीं कहीं बस गीला था फेस। उसके बाद मैंने 2-3 पम्प्स जो है अपने मॉइस्चराइज़र के लिए, तो वो भी मेरे पास क्लीन ब्यूटी का था, क्या कहते हैं मॉइस्चराइज़र, इसके अंदर SPF भी है, नायसनमाइड भी है, सेरामाइड्स भी हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ कर देता है ये। असल में सर्दियाँ हैं तो मुझे डबल क्लेंज़र मैंने लगाया, एक तरीके से समझे कि मैंने पहले वो वाला क्लेंज़र लगाया, मतलब वो मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर मैंने ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाया जो न्यूट्रोजीना का है। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी इसको बता चुकी हूँ। ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी अच्छे सुपरमार्केट से मिल जाएगा, या आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स में मिल जाएगा, लेकिन बेटर है कि वाटर जेल और वाटर जेल क्रीम में फ़र्क है, तो उसमें आप देख लें आपको कौन सा वाला चाहिए। हाँ, मेरे पास जेल क्रीम है, तो ये आपको किसी भी मार्ट से मिल जाएगी, वाटर जेल भी आपको कहीं से मिल जाएगा या किसी ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएगा आराम से। तो खैर सर्दी है, इस वजह से मैंने डबल मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि भाई एक से मेरा काम नहीं चलता, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है सर्दियों में स्किन ना, और ये नोज़ एरिया के पास, चिन एरिया के पास, चीक्स के पास तो ख़ास कर चाहिए होता है मॉइस्चराइज़, मतलब मॉइस्चर चाहिए होता है, वरना तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं सालों से पानी नहीं पिया या सालों से मुंह पे कोई मॉइस्चराइज़र लगा ही नहीं है। नहीं, मैं थ्रू ली अपने फेस पे मैंने इसको लगा लिया था। अच्छा जी, तो अभी हम अपनी स्किन केयर करके फारिग हो चुके हैं, सही है, जितनी चीज़ें सारी जगह पे रखेंगे और क्या कहते हैं फिर क्या करेंगे। हाँ जी, उसके बाद हम सारी चीज़ें जगह पे रखें, फिर मम्मा के लिए जल्दी से नाश्ता बनाएंगे। और अभी क्या टाइम है, 9 बज रहे हैं, अभी हम ग्रीन टी पियेंगे, ग्रीन टी पीने के बाद 12 बजे तक हम कोई फ्रूट खाएंगे, 11:30-12 बजे तक फ्रूट खा के फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो लंच में क्या खाना, हो सकता है नीचे जाके मैं सैलेटी कराऊँ, कुछ पता नहीं है, अभी मैं शायद दोबारा से डाइट शुरू कर दूँ, बीच में मैंने छोड़ दी थी, लेकिन अब दोबारा देख रहे डबल चिल आज। और मैं सारा सामान बहुत मुश्किल से अटका के अपने ऊपर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ ना, तो गिराना पड़ेगा मुझे मजबूरन। हाँ जी, तो यहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक और फेस वॉश है लेकिन उसको मैं इतना यूज़ नहीं करती, ये भी हम यहीं पे रखेंगे, और अपना मास्क भी हम इसी के पर रखेंगे। ये भी थोड़ी फैली हुई हो रही है, किसी दिन इसको भी सेट करना है तो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी चीज़ें सेट करना स्टार्ट करूँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उसका व्लॉग भी बनाऊँ, साथ में आपके साथ शेयर भी करूँ कि मैं कितनी अच्छे से समेटती हूँ, फिर उतनी बेहतरीन तरीके से फैलाती भी हूँ वापस। इसको मैं भूल गई थी, इसको भी बाथरूम में रख कर आते हैं। मैं अमूमन टूथब्रश वगैरह ज़ाहिर हर कोई बाथरूम में ही करते हैं, लेकिन अभी मुझे वीडियो बनानी थी, इस वजह से मेरी मजबूरी थी कि मैं उसको वहाँ तक लेकर गई, क्योंकि मुझे अच्छी सनलाइट चाहिए थी वीडियो बनाने। अच्छा, बाल हमने अपने बांध लिए हैं, ठीक है, अभी मुझे याद है मेरी वैसलीन रखी हुई थी यहाँ पर, तो बस इसको रखने के लिए जाते हैं हमें। अच्छा, इसको जो ना मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो ना बहुत ज़्यादा मेरे होंठ जो ना चैप्ड होते हैं, तो इस वजह से अब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं अपनी अलमारी में ही रखूँ, ताकि अगर मुझे जैसे रात में होंठ वगैरह चैप्ड हो जाते हैं कुछ खाओ पियो ना, तो जाहिर बात है वैसलीन हट जाती है, तो फिर मैं ये लगा लेती हूँ फ़ौरन से। ये मेरी अलमारी है और ये नीचे से फिर फैली हुई हो रही है, ये मेरे परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, सामान वगैरह डिओड्रेंट है, पेन परफ्यूम वगैरह सब धर्म भरम हुआ है। खैर इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसको भी किसी दिन सेट करेंगे। नीचे वाली अलमारी में मेरे सारे बैग्स वगैरह हैं, उसको भी सेट। अच्छा, इसको इस वाली अलमारी को भी हम किसी दिन सेट करेंगे, बिकॉज अब ऊपर वाली जो मैंने आपको बताया था ना, ऊपर वाली जगह पर सारे मेरे जो ना आने जाने के कपड़े, मतलब फैंसी टाइप ओकेजनल, ठीक है, ये नॉर्मल मेरी कुर्तियाँ हैं जो मुझे जैसे अगर कोई दावत है या कुछ है ये, तो वहाँ मुझे पहन के जाना है। बहुत बुरे तरीके से रखे हुए, कुछ समझ भी नहीं आएगा कौन सा कौन सा है। और इधर मेरे पैंट ट्राउज़र शर्ट्स रखे होते हैं, देखिए कितनी बदतमीज़ी से रखा हुआ। और नीचे जो है थोड़ा सर्दियों के कपड़े हैं, तो मतलब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ हुआ है। देख लिया आप लोगों ने, बहुत नाजुक सूरत हाल है मेरी कबर्ड की, तो हम इसको किसी दिन सही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो अपनी स्टार्ट कर दी थी, 2x क्या उससे भी ज़्यादा की स्पीड पर मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी वीडियो बनाना,
मतलब वीडियो को कर दिया मैंने 2x से भी ज़्यादा की स्पीड पे। जल्दी जल्दी मैंने मम्मा के नाश्ते के लिए पराठे के पेड़े बनाना स्टार्ट किए। खैर अभी रात हो रही है और आवाज़ बिल्कुल जाती जा रही है मेरी, तो यहाँ पे मैंने 2 पेड़े बना लिए थे। जल्दी 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 बना रही थी मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मा ने बोला था जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मम्मा की ना तबीयत ख़राब होने लगती है अगर टाइम पर नाश्ता ना मिले। तो खैर मैंने ये जल्दी जल्दी इसको बेला और बेलने के बाद इसको एक तरफ किया, क्योंकि मुझे एक साथ वीडियो बनानी थी दोनों पराठों के बनाने की, तो मैं बार बार कैमरा इधर उधर नहीं कर सकती थी। मैंने दोनों एक साथ ही बेल लिए थे, ये बेल कर उस तरफ रख दिया था मैंने ये, फिर मैंने दूसरा वाला बेलना स्टार्ट किया था ताकि फिर मैं एक साथ ही कैमरा फिर तवे की तरफ सेट करती। और ये हमारा तैयार हो चुका था, ये वाला पराठा काफ़ी बड़ा बन गया था लेकिन खैर है बन गया था आसानी से आराम से। हाँ जी, यहाँ पे मैंने अपना क्या कहते हैं तवा गरम कर लिया था। तवा गरम करने के बाद अच्छा ये मैं समझेगा ये तवा गंदा हो रहा है या फिर आगे पीछे चूल्हा गंदा हो रहा है, ये असल में मैंने अपना ब्रेड जो है टोस्ट करा था ना, तो उसके जो ब्रेड क्रम्स है वो हर जगह गिरा दिए थे मैंने। मम्मा ने मुझे बाद में बहुत डांटा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बिल्कुल किचन में काम करनी। अब देखो यार, एक तो मैं पराठे बनाती हूँ ऊपर से मुझे डांट पड़ती है। खैर गलती मेरी थी, मैंने हर जगह ब्रेड क्रम्स जैसे गिराए हुए जैसे पता नहीं कितना गंदा हो रहा है। खैर एक पराठा मेरा बन चुका था, दूसरा पराठा मैंने चढ़ा दिया था और फिर जले लिए, फिर मैंने बाकी का सामान समेटा जो फैला हुआ था। ये पराठा मुझसे थोड़ा ओवर कुक हो गया था बट कोई नहीं, चलो खैर है, बच्ची हूँ मैं, छोटी मुन्नी हूँ मैं, मुझे तय आता। खैर मैंने मम्मा को नाश्ता वाश्ता दे दिया था बना कर। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं मार्ट जो मेरे घर के बराबर में नीड्स, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ में सामान है और एक हाथ से व्लॉग बना रहे हैं। वहाँ पर ना कैमरा शूटिंग अलाउ नहीं है और ना मैं शूट कर लेती, लेकिन चलो खैर करके देखेंगे। वैसे उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा ना लिखा हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी कज़न आई हुई थी ना हैदराबाद से, वो भी व्लॉगिंग करती है एक बार, तो उसने भी जब व्लॉग बनाने के लिए पूछा था ना, तो उन्होंने यही बोला था कैमरा शूटिंग अलाउ नहीं है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सामान लेकर हम आ चुके हैं। हाँ जी, सामान लेकर आ चुके हम लोग। मैंने शूट इसलिए नहीं किया था व्लॉग, हमने शूट रस्ते में सर से नहीं किया, क्योंकि ना भाई मेरा फ़ोन नया है, मैं रस्ते में निकालना नहीं चाहती थी और मार्ट पे अलाउ नहीं है फ़ोन यूज़ करना, ओ रिकॉर्डिंग करना, तो इस वजह से सामान हमने ले लिया। भाई बड़ी ख्वाहिश होती है, मुझे नहीं पसंद नीचे जाना, जब भी फसूल में 100-100 जगह जाना पड़ता, मैंने बस घर जाते हैं फिर अम्मा को सामान देते हैं।